में गुरु को होना जरूरी है, गुरूर को नहीं। क्योंकि गुरु ना मांगे धन दौलत, गुरु ना पूछे जात, गुरु को प्यारा वही शिष्य जो माने गुरु की बात। द्रोणाचार्य एक बार कियो एकले बने वो हाथों हाथ अंगूठो काट दे दियो आपरे गुरु ने, बे होता गुरु और चेला। आज रे जमाने मारे जड़ा अगर चेला ने कह देवे नी के बेटा अंगूठो काट दे तो सबों पहले अपन नटक क्यों दे इरुत में फेसबुक चलाऊं, सबों पहले अपन नटक क्योंकि वो कलयुग रो जमानो है। मैं एक दिन स्कूल में जार पूछ लियो, मैं के बताओ बेटा ऐसा कौन सा त्योहार है जो पूरा परिवार मिलकर मनाता है? अपन ठा है माता बहना ने भाई बंदा ने सब ने ठा एक दिवाली एड़ो है जो को लोग बारू आयोड़ो वे तो गांव रे मैं आजिया वेर त्योहार मनावे भाई, लेकिन मारवाड़ है साहब कटौती है जिलो आर जाए की एडो जवाब दियो जो मार साहब ने खुद ने चक्कर आवे जेड़ो काम कर दी। मैं को बताओ बेटा ऐसा कौन सा त्योहार है जो सब मिलकर मनाते हैं? क्या अक्षर उभव है प्रो के गुरु जी उस त्योहार का नाम है कोरोना लॉकडाउन। और मैं को की करे के उस दिन हम चेहरे पे मास्क पहनते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं और घर पे ही रहते हैं, आटा बंद करोड़ा रखते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो मोरिया बोलते हैं। मैं के वारे वाह चेला सबसे पहला, क्योंकि मारवाड़ का अजब निराला है लोग, अटे भाई साहब कदे नहीं आवे कोई रोग, क्योंकि मारवाड़ री तपा भूमि अटे टीलो जी महाराज, रामदेव जी महाराज, वीर कंवर तेजा जी महाराज। और मैं वादो करूं हूं आप सबने अगर आप रो सहयोग और बूढ़ियारो साथ और सभी गांव के भमौसों का एकजुट अगर हाथ रहा और यह युवा पीढ़ी आपके साथ ऐसे ही चल कदम चलती रही तो यहाँ आने वाले 2020 और 21 के अंदर यहाँ माँ सती पेमल देव और वीर कंवर तेजाजी महाराज की प्रतिभा इस गांव में आप देखने को मिलेगा अगर आपका साथ रहा तो। यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि आपका साथ ही इनका विकास है और इन युवा पीढ़ी का आप जोश बढ़ाते हुए इनको इस कदम पर चलने देना ताकि हर चीज आपको मिलती रहे और ये जब भी आपके दर पे आए तो आपके आशीर्वाद के साथ कुछ संयोग राशि भी मिलती रहे, ये भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज री राशि रमाइने पूरी रात्रि भर आपने बिल्कुल नहीं चूकनो, हमारा गुरुदेव ने विराजमान है स्पीकर सामने बैठा है, आपने जितना भी देना 10 ले 1,00,000 ले 100 कितना भी देना आज रात्रि में आप दान राशि दे दीजिए, लिखा दीजिए मंत्र माध्यम मैं हेमंत लांबा आप लोगों तक आपरो नाम उजागर करूंगा ताकि 7 पीढ़ी तक आपरो नाम अजर अमर रेवेला और कटौती गांव रे मैंने हमेशा इतिहास में वो नाम गिनो जावेला के भाई दान चाहे 1 रुपए का हो और चाहे दान 1,00,000 रुपए का हो वो बराबर होता है साहब। तो आज री रात खाली नहीं जानी चाहिए और विशेष गुरु महिमा वास्ते ले चला सबसे पहले आप लोग बीच में के गुरु गोविंद दोनों खड़े में किसके लागू पाई बलहारी गुरु आपको जो गोविंद दिया मिलाए। भाई मुकेश जी डांगी गुरु री महिमा ले रहे हैं, उनसे पहले आपने भी नवयुग पीढ़ी मारी खड़ी है जेती हाथ जो निवेदन करूं यार आप मारो केणो मान सको ये तो मन ठा है इस वास्ते आप बैठ जाओ हुकम जटे भी जगह मिले आप बैठो साहब पहले सबों पहले अठे ही बैठ जाओ साहब जटे खड़ो जटे। अरे वारे वाह भाई ये है मारी आदरी क्योंकि आ साहब बिल्कुल सही बात है मारवाड़ महीने भोजन और भजन हमेशा जमीन में ही रहो और मर्यादा और संस्कार रूप दी आगो नहीं जानो तो अपनी आ बूढ़िया घालर गया लीक भोजन भजन फेरा सत्संग जुम्मो ये सब जमीन माते है और आप जमीन जुड़े लोग हाँ तो ये जमीन ने आज जोड़ रखना बहुत जरूरी है। मातृ शक्ति ने निवेदन करूं आप विराजमान हो जाओ आपने जटे भी जगह मिले सब बैठ जाओ एक बार निवेदन करूं आप भी जीता आवने जवने है सबने एक बार लारे आप जितने भी जगह मिले आप बैठो साहब ले चला हाँ भजन संधि को आगे बढ़ाने के लिए गुरु की महिमा आप लोग कर बीच में भाई मुकेश जी डांगी दोनों हाथ खड़ा कर सच्चे मन के साथ एक बार दोनों पवित्र करते हुए एक बार दोनों इस जीवा को हमें पवित्र करना हो रहा है एक बार भला सतगुरु भगवान की। भाई मुकेश जी डांगी मिलेगा दोबारा क्योंकि वर्ष खेजड़ी पीपल पूजे और गौ माता रो करे सम्मान साधु संतारो मान रखे बो है राजस्थान अठे बो है राजस्थान दान मान और सम्मान आई है राजस्थान की सही पहचान। क्योंकि दान और मान और सम्मान सम्मान सु याद आयो आज भी कई घर में नहीं साहब कई गांव में आज भी मारे बढ़िया जी मारे भोजाई जी आज भी पुरानी लुगाया आपरे स्वयंवर आपरे पति देव रो नाम नहीं लेवे साहब ए है अटारा मारवाड़ रा संस्कार। लेकिन बारे री जगी विदेशरी और बारे जगी पूना महाराष्ट्री बच्चिया अगर मारवाड़ में आज उदबान लिए बहुत मुश्किल हो जाए साहब जी अटारी मारे कटौती री बढ़िया जी आपरी बींदनी कियो के बींदनी थने पिलावणो करनो आवे बींदनी बारे पूनारी क्या हा मने तो चाट पकोड़िया खानी आवे के वाह बेटा ये थने राबड़ी रांधनी आवे क्या हा मने तो चोटिया करनी आवे के वाह बेटा ये थने राबड़िया करनी आवे क्या हा जना
કે મને મિર્ચી વડા ખાના આવે વાહ બેટા મેં તને બિલોણો હોઈ કહું બિલોણો ઝલ્યું મિલ્યું એ કાયદો સાહેબ જીમી ઘી આવ્યો એર ભીનણી કયો કે અરે સાસુજી દેખો મખણ આવ્યો મખણ કોઈ હૈદામ મરી તને ઠા કોની એ થોડકડી તને શરમ બાયરી મખણ લાલ તારે હો રાજી નામ યુ નામ લ્યા કરે કઈ બડેરારો કદી નામ નહીં લેણો બેટા કે વા કોણ લેવો સાત દિન ફાચ ઓરુ બિલોણો કર્યો અર ભીનણી ને ભાઈ બાદ જલી મુલ કયો જીવી ઘી આવ્યો અર કે જોરુ ચલાય હાસુજી દોડો દોડો છાસ માતે આપણે સુસરાજી તીરે કે વા બેટા એ અચ્છા ધીરે ભાઈ સંસ્કારાની વાત હે તો યે વાત હે સાહેબ ક્યો કે પાણી આંખો કા મરા મરી શરમ ઓર લાજ કહે બહુ સાસ સે અબ ઘર મે મેરા રાજ તો રાજ આજ આપણે અટે તેજાજી મહારાજ તપોભૂમિ ધરા ધામ પર આપરી જે રહણો છે જે ઈરવાજ દોડે હાથ ખડા કરે એક બાર જીવા પવિત્ર કરતે એક બાર બોલે સત્યવાદી વીર કંવર તેજાજી મહારાજ કી વીર ખગ્યો લુગા મેર દુનિયા ગેલી હોગી માયા મે जद रूख काट मेल चुनावेर इज्जत ऊंची भाया में तपती लाई फिरे भटकती बे पशु उतर से छाया ने खावे कागद चुगे मेणिया रोग लगा ले काया में अरे कलयुगरी मतलबी दुनिया देखो दूध काट घरसू भगावे गाया ने नशा कर कर नाश करे घर बिगार में भाया में अरे ओगण गारी दुनिया देखो आ कटबा भेजे गाया ने केवे हेमंत लांबा सुनो रे भाया ओ पैसो संगनी चालेला मात पिता और गौरी सेवा आशीष संग में चालेला आशीष संग में चालेला आशीष संग में चालेला क्योंकि साहब पुराने जमाने में इतने बड़े जागरण फंक्शन कार्यक्रम नहीं होते थे क्यों गायों की वहां सेवा होती थी आज गायों री अपने देवी देवता री बे आप सेवा कम होगी साहब जना बड़ा बड़ा पंडा लगाए और अपने बीच में मैंने आज आप भजन संध्या करावा बुलाते हैं सूरजगढ़ की धन्य धरती सु आप लोगों के बीच में वीर कंवर तेजाजी महाराज के अनेक एल्बम गाने वाले जिनमें आप सभी ने सुना है जाग जाग रे तेजा जी थारो दिन ढल गयो और ढोल नगाड़ा बाजा करे और सुनो सुनो पेमल दे अनेक लोक गीत गाने वाले सूरजगढ़ की धन्य धरती से बुलाते हैं आपके लोगों के बीच में कहते हैं पैरों को जो सजाती है उसे कहते हैं पायल और डीजे डू डीजे गाते उसे कहते हैं खेम धायल खेमजी धायल चौधरी समाज के पुत्र सूरजगढ़ के धन्य धरती सुर ओ जो को पेरा में नहीं ओ साहब अमेरिका में जातो रहे वो तो ही साहब ओ पेरान मार मारवाड़ी और ओई रे और ईर माते आप लोगों ने था है कि आरजे 21 क्योंकि नागौर जिलो साहब बी माते मैं बनाए साहब आप लोग सबने सुनी भी है कि मर्दा ने तो सब सोवेर गोरी लागे है गणगौर आप टिकटॉक में सभी ने सुना है मर्दा ने तो साफ सोवे और गोरी लागे है गणगौर पांकड़ी मुच्छा धारी वारा जिला नागौर नागौर जिला की बात अलग है साहब बुलेरो री बेट सवारी केर मत काडे रीश मुड़ मुड़ के लारा देखे फिर आउरो आर जाए की अबार नागौर गाल दे हमें तो 5 मिनट में जन क्या है अटे मारवाड़ रो ठरको नारो आना टाणा में भारी जेला झुमका ठेवटा फेर लुगा रसोलड़ी गावे न्यारी हाय रसोलड़ी ए ढोले काटोती मैंने भाजियो ये आ भाई साहब मारो मारवाड़ जी में अट खेत खेत में मीन कुबार हरियाली रो कहीं कहनो एलो फाड़ दो फारी करे रे बो खेजड़ी नीचे रेणो आउरो रे जण देख लेणो ओ मारवाड़ एक बार जोरदार तालियो स्वागत करो भाई खेम जी धायल आपे खास मेमोरी हो गई और पत्नी से प्यारा हो गया पेटीएम पिता से प्यारा हो गया पासवर्ड और भ्राता से प्यारा हो गया यूट्यूब खाता ए मेरे मोबाइल देवता तू क्या क्या नहीं है दिखाता मारी माता बेना भजन गाती पुराने जमाने में बड़ा अच्छा लगता साहब भाई रे मत दीजो मावड़ी ने दोष करमारी रेखा न्यारी न्यारी आजकल मारी जड़ी पीढ़ी भजन गाय बेन दिमाग में चार्जर फोन सुआ कोई भजन नहीं है जन बे भजन नहीं किया गाय भाई रे मत दीजो मोबाइल ने दोष चार्जर की पिन न्यारी न्यारी एक है पतली पिन को दूजोड़ी है चपटी पिन को तीजोड़ी है चौड़ोड़ पिन को चौथोड़ो है मेंढक चार्जर चार्जर की पिन न्यारी न्यारी वारे मारा फोन मिनखान कर दिया मोन महंगा कर दिया बैंक का लोन आदमी आदमी ने पहचाने कोने बोले आप कौन मारवाड़ी में जान जा पड़े हिंदी में कहवा हेलो कौन मैं मीनू बोलू जन मैं फच कहीं गोगड़ मीनू बोलू जमाना है भाई तबका है बेटे को आप शिक्षा दीजिए बाइक नहीं बेटे को आप शिक्षा दीजिए बाइक नहीं और बेटी को आप संस्कार दीजिए मोबाइल नहीं अतिथि को आप मान सम्मान दीजिए दुकार नहीं और माँ बाप को हमेशा आदर दीजिए कभी अपमान नहीं लेकिन जमाना रहा थे लोग बदलिया बारे रहा लोग फोन आवे नहीं
जना एक सेकंड में फोन मेल दे पर वो मारवाड़ है साहब। बिल्कुल सर, सजनो ये हकीकत बात है, अगर मान लो थके कोई रोंग नंबर आएगो है अनजानो कोई गलती में लागो हेलो कौन बोलो सके फलानो आदमी बोलू नहीं साहब गलत नंबर है तो आगलो फोन रख दे मेरे अपन फोन रख दे वहां। लेकिन जो देसी ठेठ मारवाड़ी है वो रोंग नंबर पे भी आधा घंटा हत्या कर ले भाई साहब, बिना ओळख पहचान बिना बेई सगा बनाई ले बिना जान पहचान बिना आधा घंटा रे हैंग हैंग बेलड़ा उड़ दे। अब सुनिएगा, बिना जान पहचान सबसे पहले विदेश में फोन आवे अंग्रेज फोन करे उनजो मैं पहले सबो पहले फोन उठाते सबो पहले की कर रखे हेलो हेलो हु इज दिस आई वांट टू टॉक विद जॉन्स। ओह सॉरी सर रॉन्ग नंबर इट्स ओके सर। ए बारे रे फोन मेल दे सब इतने बात करे अब गुजराती गुजराती आदमी बात करता है। हेलो हेलो शू बोलो शू तमे कौन बोलो सो भाई हमें मोटा भाई ने बात करनी छे तमे शू बोलो छो भाई गजेंद्र बोलो हमें मोटा भाई ने बात करनी छे ना खबर नथी जेना आना रोंग नंबर मिला है भाई रुकी देना सॉरी भैया रोंग नंबर। हेलो साहब अब देखो मारवाड़ पूरी दुनिया आगे है मारवाड़ री तो कोई जवाब ही नहीं है वाह रे वाह मारवाड़ मारवाड़ में आवे दो बार घंटी। हेलो 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 सर आप कौन बोल रहे हैं थे कौन बोल रहे सर सर शायद मैंने रॉन्ग नंबर तो नहीं लगा दिया रॉन्ग नंबर क्यों मिला है देखकर मिला इसको नहीं कहीं नहीं नहीं सर एक्चुअली एक्चुअली मैं सर सर आ एक्चुअली कौन है पहले आप बताओ आ एक्चुअली कट रहे हैं सर मुझे खेमाराम जी धाइल से बात करनी है आज कोई खेम जी और कोई प्रेम जी है सर सर कहीं क्यों मैं कहीं धन कक्को पढ़ाई हो कहीं नहीं आप कक्को नहीं पढ़ाई हो सर थे बोलो कट हो सर मैं अजमेर से तो पंचायत क्यों करो अरे अजीब आदमी हो तो इतना लपका क्यों करो सर मुझे थे बोलो कट हो सर मुझे कुछ बोलने देंगे तो बोलूंगा ना मैं तो एक बार बात तो सुनो क्या बोलूं आप फोन पर एक छोटी बात तो सुनो रॉन्ग नंबर है अरे इतनी बात करिए छोटी बात सुन जावा हां बोलो इतनी बातें करिए 30 रुपया रिचार्ज तो कराए तो ओ मारवाड़े मारवाड़े सर जा ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे बैलगाड़ी और जा ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। तो मारवाड़ी में एक बार जोरदार तालू स्वागत करो और दानदाताओं की कमी आज पूरी रात में नहीं लेनी चाहिए हमारे भंवरलाल जी हमारे साथ विराजमान है जितना हो सके जो हमारा हाथ देख रहे हो आप लोग इस साइड में मैंने अट विराजमान है आप जिट भी हो कटो भी आ और अट दान राशि दे सको आप लिखा सको 65 दिनों के बाद में जी कलाकार को आपने इंतजार हो वो आप लोग बीच में है लोकप्रिय डीजे किंग आरजे 21 से लोकप्रिय कलाकार भाई साहब गजेंद्र जी अजमेरा जिन्होंने अपने गायकी का सफर 2009 में मामी गावे फागड़े वाले गीत से शुरुआत की 2013 में लोग गाँव मंगलाचार तेजा जी प्रणिजे 2014 में जाटा में एक जाट बोलो भाई जाट तेजा जी नाम को गोरक्षा में प्राण दे दिया धन्य चौधरी जात को इस लोकगीत के माध्यम से इनको वीर तेजा गौरव से नवाजा गया। वहीं 2015 में आप सभी विवाह शादियों में नाचे हो मुरुड़ा 2016 में सूटर 2017 में प्यारो घनो लागे हो तेजा जी माने जाटानो श्रृंगार और 2018 में द ग्रेट सुरुजमल अवार्ड शू ठरको जाट को 2019 में आप सभी ने सुना है आओ भक्ता जीम लो भंडारो रामा पीर को 2020 में मामी नानदा मायरो इंद्राणी अनेक सूटियो जिनमें कालियो नाग और टप टप लीलन के आंसू पड़े अनेक लोकप्रिय लोक संगीत देने वाले एक बार जोरदार तालियों स्वागत करो लोकप्रिय कलाकार बादशाह गजेंद्र जी अजमेरा दूसरी बार अपनी हाजिरी देने के लिए तैयार तालियां मैंने कहे थे एक तो मोली गणी बजाओ काई बात है तालियों थोड़ी स्वागत करो क्यों तालियों मैंने याद आवे थे नहीं हकीकत में मोली गणी बजाओ ए गजेंद्र जी में एक दिन सास रखियो जो आने तो कोपतार काजूर कतलियां ए गालिया मैंने गालिया 40 रुपया खिलाला चावल चावल गालिया जन धंटा माने ईश्को आएगा आने तो काजू कतलिया मैंने गाले चावल नहीं मैं चावल खाऊ मैं चावल देकर हको खियो जोरू मैं क्यों घावरा दौड़ो दौड़ो चावल रे मैंने सांप है सांप सांप के है अरे भाई साहब गांवरा लाटिया लेर दौड़िया तो थाली ने कौन कौन बिखेर ना गई चावला ने को खो में बिखेर ना गया एक आदमी आई फिर क्या गेला आदमी हाश्रम आई आने हाथे पड़कंडियो वे फिर तू झूठ बोले ए चावला में तो की कोनी मैं बने आई कियो मैं क्यों सा चावला में की कोनी आमे मीठो कोनी चरको कोनी घी कोनी गुड़ कोनी आ हुकर हुका हुआ लुका मारू नी भावे सा आमे तो लुको नी भो आ इर वास्ते मारे भी थोड़ी बहुत तालियों स्वागत करते हुए लोकप्रिय कलाकार बादशाह गजेंद्र जी अजमेरा एक बार सच्चे मन और जयकार के साथ भले गऊ माता की लोकप्रिय कलाकार बादशाह गजेंद्र जी अजमेरा। धन्यवाद। गुण मिले तो गुरु बनाओ उचित मिले तो चेला मन मिले तो मित्र बनाओ नहीं तो रहो अकेला अकेले रहकर भी इंसान बहुत कुछ कर सकता साहब जैसे अकेला आदमी इतिहास बदल सकता कौन कौन एपीजे अब्दुल कलाम अटल बिहारी वाजपेयी स्वामी विवेकानंद इन्होंने साहब इतिहास बदल दिया
अकेला आदमी इतिहास बदल सकता है, शादी शुदा आदमी मेरे तेरे सिर्फ सब्जी ला सकता है, आलू कहीं भाव ओ काम कर सके। क्योंकि गुरु महाराज अट आया, एक गुरु महाराज आना चमत्कार हा, क्योंकि संत सूरमा लोक देवी देवता राटे पितर भूमिया ने पूजे, नमन करो उन्हें राजस्थान की धरती ने, जट हर मंदिर में शंख नगाड़ा गूंजे, क्योंकि आ तपभूमि इसी है जट अनेक परचाया। और परचो मने याद आयो गजेंद्र जी भाई साहब, हेलो अजमेरा साहब, इस लॉकडाउन में 6 महीना में संत सूरमा लोक देवी देवतारा परचा तो यही है जी, लेकिन ये कोरोना काल रे महीने छोटा मोटा परचा तो नहीं देऊं ढूंगो। क्या बात है, ये लॉकडाउन में छोटा मोटा पर्चा आप ही देवन लागा। बिल्कुल साहब, पर्चा ही किया मल्टीमीडिया वाईफाई ब्लूटूथ वाला पर्चा देऊं ढूंगो साहब। पर्चा रामदेव जी, तेजा जी, महादेव जी, भूमिया जी, जुंजार जी, अनेक देवी देवतारा पर्चा देख यार सुनिया आप, लेकिन ये कलयुग रे मायने मारा है अलाउंसर साहब भी पर्चा देवनो प्रारंभ कर दिया। बिल्कुल साहब, हाथों हाथ आधी सेकंड रे मायने पर्चो आ जाए साहब। तो सर एक पर्चा हम आपका इस कटौती की धन्य धरती पर देखना चाहेंगे। मारो पहला पर्चो ओ है कि आज तेजाजी महाराज रे विशाल जागरण ने मायने कटौती रे मायने मारी माता बेना जीते ए चांदी वाली भिंटिया पे रहियो नी ए मैं सोनारी कर देऊ ओ पहलो पर्चो वेला। अच्छा, इनका पहला पर्चा ये है मेरी बहन बेटियों की, हेमंत जी लांबा को पहलो परचो है कि तमाम हमारी बहन बेटियां जितनी भी चांदी वाली अंगूठियां बिंटियां पहन रही हो ना, वो आप सोने की बना। हाथ तो हाथ एक सेकंड में डबिया में घर लीजिए जो हूं भाई। हेमंत जी यार एक बात बताओ, हाँ, लॉकडाउन में कोरोना काल में सबसे अधिक जो हालत खराब हुई वो हम पुरुषों की हुई है। हाँ बात भी सही है, रोजगार हम हुए हैं। हाँ, तो हमारे भाई लोगों के वास्ते कहीं ऑफर है ताको आने वास्ते दिवाली आवे बप्पर इनाम कोई भी अगर लोरो कड़ो पहन रहे वीर हाथों हाथ चांदी रो कर देऊं। गलत बात है यार, होना चांदी री कड़ा करा तो ही। गलत बात है, की कर बेन बेटिया की चांदी वाली अंगूठियां करो ते सोना की। हां सोना री तो मां के मोटे रहूं थकी काई बेटी रा बाप दुश्मनी है कहीं जो मां का कराते चांदी का बड़ो इनके इनके सोने की कोनी बना रहे हो। अने यूं है थोड़ी मिस्टेक आ है के भिंटियां बहुत छोटी हुए हाथों हाथ बढ़ जाए और एक कड़ा बहुत मोटा ला रहे। ममता भारती है, लक्की उड़ान है, निशा जायसवाल है, भरत जी लेगा साहब है, सब आवना है। तो अगर थानी अनुमति है जड़ता सोना चांदी रे आभार में भंडार भर दू। जी सर, एक बार दोनों हाथ करो, उबा करो माता बहना दोनों हाथ थे दोनों मन ठिया के बड़ी पता कड़ा भिंटा कितनी बनावनी है दोनों आने उबा जाएगा थे कार्यकर्ता बंधु। हाँ थे भी साहब अन्य कार्यकर्ता बंधु जीता मारे भंवर जी मार साहब चिंता उबा देगा। एक बार दोनों हाथ खड़ा कर लो। अच्छा मत कीजिए भाई रे, लंबा जी हार गया, झूठा झूठा बोल गया। दोनों हाथ उबा, एक बार दोनों, एक बार बोले शंकर भगवान की। एम सोना चांदी भिंटा वेती जन अरे बोबाड़ा थोड़ी करते थे और मैं हूँ पूरी रात अदे मैं तो खुद ही अदे अंडला पाड़ू लाड नु स्टैंड मा तो 10 रुपया हूँ ठेला मा तो लायो हूँ यूं कड़ा वे जन कटे है ए? लेकिन थे जय बोली हमारी असली कमाई और कमाई मने याद आयो के रात रा बोबाड़ा करू दिन में लेऊ मैं नींद। अरे रात रा बोबाड़ा करू दिन में लेऊ मैं नींद। टाबर मारा कुरकुरा मांगे लुगाई का उठो कनी बींद ए हाली काई पड़ी कौन करो ना कहीं चलो काम मा जाओ। तो यही बात है सच्ची आस्था के साथ लगन के साथ ले चलते हैं आप लोगों के बीच में दोनों हाथ खड़ा करके एक बार बोले वीर कंवर तेजाजी महाराज की टीलू बाबा की। धन्यवाद तो लीजिए का लेकिन बोल का घाव नहीं पर पाता है, चला जाता जीवन में समय लौट कर वो दोबारा फिर कभी नहीं आता। मारवाड़े साहब अटे उतौड़ तो होनी है, उतौड़ फुर्ती में हर जगह है। कोई गांव में नेताजी गया जन हमदर हमदर दौड़ रहा गया क्यों राम राम शाह नेताजी मार तो लाइट ही कौन क्यों मन जीता दो मैं घर घर में चांदना ही चांदना कर दिया हूं साहब। भाई साहब दूजी बार गली ने मैंने क्यों नेताजी मार तो गिड़िया खाली पड़ी रे पानी कौन है क्यों साहब मन जीता है तो मैं घर घर में पानी पानी कर दिया। अरे क्यों लाल करिया तीजी गली में कोई मर जेड़ो मिल गो साहब तीजी फेल नेताजी ने क्या नेताजी मारे गांव में शमशान भूमि कौन है क्या मन जीता है तो मैं घर घर में मुछाणी मुछाण कर दिया। जिसकी बात है उनतौड़ भी नहीं है धैर्य के साथ है। फिर से भाई साहब आदेश देर गया है कोई भी पीछे तालाब के पीछे आप पेशाब के लिए नहीं जाए जैसे कि पवित्र जमीन है और आपको इसको सरोवर को तपोभूमि रखनी है। और कोई भी बच्चा परिवार का युवा शक्ति विशेष ध्यान रखे लीजिए बुलाते लक्की जी उड़ान को आप लोगों के बीच में एक बार दोनों हाथ खड़ा कर मन बताओ थे नहीं माता बहना आप कोई नहीं थामो बताओ एक बार दोनों हाथ खड़ा करो दिखाने और मैंने साची साची बताओ दोनों हाथ खड़ा कर और साची बताओ लक्की जी उड़ान आ रहा है कि थामो कुंवारा कौन कौन है वारे जमाना 2020 ओहो बुलाते हैं और कहते हैं समुद्र में जब उठती है लहरें तो उनसे बनता है तूफान और अजमेरा गुरु की तरफ सुकमर लचका है उसे कहते हैं लक्की उड़ान।
चांदना इतना जी शाबूंद वाह भाई वाह। देखो आ वाकिर मैंने भेदभाव ऐसा थे आ युवा शिक्ति जीती थी क्या नहीं मैंने जीता भी आ मारी जाट रेजिमेंट थे सवा वाकिर मैंने मारा हाथ भेदभाव करियो यार क्यों क्या हो गया इतनी मन ठाकुर ने युवा शक्ति मारा थे इतो भेदभाव करी इतो मारा हाथ दोगला पंथी साहब आ तो मार मन में आएगी साहब भाई यहाँ के कार्यकर्ताओं ने आपके साथ में भेदभाव किया बिल्कुल साहब भेदभाव किया भाई देखो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मैं बड़ा बुदूसा था ने हमारे हेमजी का भेदभाव कैन करियो थे बिल्कुल भेदभाव है साहब आज मेरा साहब मैं 4 घंटे बोलूं एक ही कोई कैमरो को निकाले अब देखो वीवो नारो ओप्पो नारो सैमसंग ए देखो अन्य पयाला जगह सब एप्पल आईफोन लियोड़ा बेटा लारे कोई मारा हाथ जी फोन ही माता फोड़ी करे फोटो छोटी आए तो कहीं ले मत परा मारी फोटो खेचो रे भाई ए बिल्कुल बिल्कुल सर कहा है कि अंतरदेशी तार लिफाफा दुनिया टेलीग्राम ने भूल गई जब सु आयो मैंगो फोन दुनिया टिकटॉक में झूमगी मेरे रे कर्म में बावलिया लिखा था अब विराट कोहली तो कटो मिली तो लिखी जी उड़ान बुलाते हैं आप लोगों के लिए और नृत्य के लिए गजेंद्र जी अजमेरा जी सर अब मैं नृत्य करूंगा हेमंत जी का आदेश नृत्य के लिए लक्की जी उड़ान है लास्ट में पहले तो हर करूं मोटरसाइकिल रे ठीक है पच मैं देखूं एलईडी आ जाए सही है पर लास्ट कुकर आ जाए तो सही है पर हम द बजिया जन सब जाता रे नाम जन मैं देखूं घड़ी तो आए रहा है पच सब गांव रा निवड़ जाए जन मैं बांकन खुद को थैलो मांग लू मैं बोलो थैलो तो दे ही दो बिल्कुल इनाम तो देखो दिमाग बहुत ईश्वर उपासना है तो बिल्कुल देसी आदमी है और बुरा मत मानना भाई साहब मैं तो दिल से मैं कहता हूँ हेमंत जी आप मुझे किसी भी एंगल से पढ़े लिखे नहीं लगते हो भाषा पढ़े लिखे यहाँ मैं पच कहीं कोई चिमनियम चांदना पढ़ाई थोड़ी करी नहीं, मैं टीचर ही हूँ मेरी बात सुनो आप कह रहे हो मैं टीचर हूँ मैंने आप किसी भी एंगल पढ़िया लिखा कौन लागो यार भाषा अब मैं पढ़ रहे मैं कहीं ऊंदो लटक रहा बताऊँ की मैं टीचर हूँ मैंने कौन लागो यार अरे भाई साहब मैं हर सब्जेक्ट में हर जगह डबल नंबर लायोड़ा हूँ होशियार हूँ भाई साहब हर सब्जेक्ट में तो मारे डबल नंबर आयोड़ा है थाने कितना आयोड़ा मारे हर सब्जेक्ट में डबल नंबर आयोड़ा सर मारे भी डबल आयोड़ा है थाने की आयोड़ा मारे सोमू 99 आयोड़ा बस बंदा हर डबल नंबर आयोड़ा पूछो किया डबल हर नंबर दो लड़ा आयोड़ा हो सिंगल आये मैंने कभी आज तक कर डबल जीरो गणेश धक्का गाड़ी फास सप्लीमेंट्री टोरा गाड़ी फास ए आयोड़ा भाई साहब अच्छा थे मन बताओ एक क्लास में थे मॉनिटर कितनी बार रियोड़ा भाई क्लास में मॉनिटर तो एक बार ही रेवन भाई बस एक बार में बंदो एक एक क्लास में चार चार बार रियोड़ो है यार एक क्लास में चार बार कैसे पॉसिबल है भाई साहब अपने नाम रोई जॉब कार्ड बनतो एक क्लास में वो अरे एक आदमी चार बार कैसे बन सकता है कैसे बन सकता है कि चार बार शातिर मैं पास यही कौन फेल ही फेल यादन मॉनिटर आप जा अब थे मन बताओ थे ज्यादा ज्यादा स्कूल क्यों जाता भाई बी टाइम में सर स्कूल तो मध्यम वर्ग परिवार से था 1 किलोमीटर स्कूल थी कभी पापा कभी मम्मी छोड़ने के लिए जाते थे पैदल ही पढ़ाई अच्छा या भी जमाना बंदो फोर्थ में गया था फोर व्हीलर में बैठ जाता अदर अदर जाता अदर अदर आता थरका भारी आ आज 20-25 साल पहले आप फोर व्हीलर गाड़ी पापा कलेक्टर आ गए कलेक्टर ऊंचा कहीं पोस्ट बा पोस्ट मान खुद ने बताई कौन लेकिन भाषा जाता अदर 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 आता पूछो की कर बताइए कैसे जी दिन मैं स्कूल नहीं जाता चार छोरा आता मुछियाड़ा मैं माचालार लुक्योड़ा दो पकड़ता टांगड़ा दो पकड़ता हाथ हे जीव रे जीव फेंकुटी जीव अदर कर ले जाता फटकता लोसा आ स्कूल में और भाषा बटली जाए पर मन कहता मैं भाषा टोक जो मत मुर्गो बन जाओ अब मन बताओ थैन इंग्लिश आवे इंग्लिश आवे थैन कोई कविता आवे कविता भी आती है मन इंग्लिश में कई कविता बोलो इंग्लिश में बहुत सारी पोइम है तो इंग्लिश में कई कई आ सके था ना मन बताओ पहले बहुत सुंदर कविता थी ए मारू जिद करियो जने मैं पूछू आ नहीं तो मैं कौन पूछ तो सुनो मेरी बात सुनो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई व्हेन द बर्निंग सन इज सेट व्हेन द ग्रास विद यू देन यू शो योर लिटिल लाइट ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट अभी रुका मतलब यो कोलगेट कर लीजिए और भैंस पानी में गिवी है और मिट गया फाचा आया ट्विंकल ट्विंकल गिवी कहीं मनाली भाई साहब 400 किलोमीटर आगे पड़ी है थकाड़ू आप बोल के बताओ मानी कविता है देशी भाषा में बोलिया बस कोई जन जान रेलगाड़ी छुट्टी है बताइए मनाली कविता यूं भीतर हार वो वेपरा छोर और क्या हरू करे चिमनी 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 तेल ठोक्या भूंगल भाई तो रेल क्या बात है जोरदार ताली बजाओ हिमंत जी लंबा के लिए मानम मामला और लगी हां तो आइएगा कहिए जीव बिना सांप खायो पोकियो एक ना और खा जाता रे मन में रह जाए भाषा बंदो मारवाड़ रो कटो तिर मार की फर्क कौन पड़े सांप क्या तू मारू चैलेंज करे माने लो कालिंदार शाम के है ले जाना दुबारे क्यों अरे एक ना और खाई ले बंदो कट्टो थी रहे मारे की फर्क कौन पड़े मारवाड़ रहो वो के तू मारू चैलेंज करे शाम के मन ले जाना तिबारे
अरे एक रा और खाई या मन में रेगी रे कालीदार ढूंढ गा ओ श्याम अचानक इच्छाधारी नाग बनर समो भोगो एर भी आदमी ने पूछन लोगो बोले एक बात बता यार मारा खायोड़ा आती रा आती नीचा पड़ जाए ऊंट रा ऊंट नीचा पड़ जाए तू की धरती में थारे कोई फर्क ही नहीं पड़े ए तू कहीं शंकर भगवान रो भक्त है या तू शेष नाग रो भक्त है या तू इंद्र देव रो भक्त है वो आदमी क्या मैं की रोई भक्त नहीं हूं गोडे नीचे नीचे प्लास्टिक रो पग है बंदा ने श्याम कहीं फुनगो रो खाजो बोले भाई साहब हटीला और जीतीला मैं सबने आप लोगों ने बिठाऊ आप लोग विराजमान हो जाइए बैठ जाइए लीजिए खेम जी भाईल साहब अट जो काम हाथ में ले लेने बिना पूरा करिया बिना छोटे कोने साहब आप बात बिल्कुल सही है जीव समेरे हिसाब साहब समेरे हिसाब आगे बढ़े सात फेरा वे जना तने ठा है चार फेरा तक तो बींद राजा आगे रेवे और तीन फेरा तक बींद नहीं ला रेवे लेकिन शास्त्र में लिखोड़ी है कि जीव चार फेरा वे और बादशाह पांचों फेरे रे मैंने बींद नहीं आगे आया करे बा बात मारवाड़िया ने कोनी साहब कोई आगे आ जाए बा बात थाने ठा की करबा ने आ बात नीप जे जीवी बींद राजा लारे रही और पंडित जी गुरु महाराज क्योंकि अब चार फेरे हो चुके हैं अब पांचवे फेरे में तीन फेरे के बाद आपको आगे आने हैं और आपने पीछे रहना है जो दुल्हन बनी है बातों आगे रहे और दूल्हो है वो लारे रहे आ बात बींद ने ठा पड़ गई आगे रहे मैं लारे मनी जीवी गुरु महाराज भी ने बींद ने आगे लावे वो फेरे मैंने खूनी ठोकर और वो आगे आ जाए ओके अरे जुजमान गुरु महाराज आप लारे रे वो और आ बींदनी दुल्हन आ आगे रे और वो आगे आवे वो तो खूनी ठोकर आगे आ जाए कह रहे वो कई आदमी है और बींदनी आगे लावे चौथा फेरर मैंने ओदू बोलो खूनी ठोकर आगे आ जाए गुरु महाराज बामण महाराज जगह पंडित जी बाने रीस आएगी बे बींद रे बाप ने क्यों मैंने एक बात समझ को नहीं इरो दिमाग खराब है या पागल है ये बींद राजन में बार बार क्यों लारे रे चार फेरा आगे अब इतना लारे रेणो है वो बींद रो बाप आए क्यों ने तो वो पागल है नहीं रो दिमाग खराब है और राजस्थान रोडवेज रो ड्राइवर है ओवरटेक करने की आदत है ओ जटे जाए जटे रोड खाली देखता ही साहब गाड़ी ओलो साहब आर जे एकीश एर बतला वजह का नावे रीश तो मारवाड़ है साहब मारवाड़ में तो हमेशा आगे आगे ला दी थाने क्योंकि मारवाड़ में दानी घड़ा और अठे घर में घाया रखे दिना साहब ओ मारवाड़ है जटे सोनारी धरती अटे नित चांदी रो आसमान रंग रंगीलो रस बजो ओ मारो राजस्थान आप लोग बीच में भाई खेम जी धायल भवर जी लेगा साहब और लक्की उड़ान और कोई दिखाओ नहीं होने चाहिए माता बहना आज आप दो बजने की ओर बैठा हो रात्रि दो बज रहे हो रही है दो बजने के बाद भी आप लोग बैठे हो कातिर और समय है आ ऐसा भक्ति और भाव आप लोगों ने हमारा जो मान रखा बहन बेटियों ने भाई लोगों ने आभार आप भी युवा पीढ़ी हर आदमी को काम रहता फिर भी भजन भाव में इतना बैठा हो समय हो आ सब अपनी मर्यादा है क्योंकि भरत भोजन भक्ति और भाव भरत में मारी माता बहना करवा चौथ हील हाथियों कान जीरे आटियों करती आज भी करवा चौथ रो व्रत करे एक दीवालो मुंडा में नहीं लेवे पूरे दिन भूखी रह जाए वो वे व्रत आज रे जमाने री बाई बीन जीव बारे री महाराज पूना री कोई बीन नहीं वेर बीन कह दियो है भूखो रेणो थे इकावनो करनो है तो बाण वास्ते भूखो रेवनो एर रोवता टाबर ने चुप करावनो बराबर है बाऊ भूखो नहीं रही जे जीव कोई पूना री बारे री बीननी अटे गाँव में आएगी पनीर सासू माने ठो क्या आज करवा चौथ रो व्रत है बीननी नंबर वन चटोकड़ी है आ भूखी नहीं रह सके साहब अबे जीवी भरत करियोड़ो और बीननी रसोई रे मैंने बड़े और क्या हासू जी आवाज देवे साहब बीननी के हां वाह बेटा ए आल चांद कोनु गयो आल काम करो और 5-10 मिनट वेर चांद ने देखे भाई अर्घ दिया बिना भरत भी कौन खोल सके और 5 मिनट वेर सासू में आवाज दे बीननी के हां वाह बेटा हाल चांद कोनु गयो हाल काम करो सासू मां चेक करे की खाई नहीं लियो और जे की खा जावे तो मारे छोरा रखी है जेवलो साहब अभी मन में सही है उम्र का मुजाली अभी सही है जीवे साहब भीनड़ी रसोई में बड़ी आगे साहब दो रसगुल्ला दी गार बीका जी भुजिया की थैली दी गई भाई साहब फाड़ खूणो और बातों मुंडो भर लियो कुत्र मशीन रो गाड़ो हुई जो और भूल गई के भी दिन कोई भरते गई मुंडा में नमकीन गालियोड़ी राने रसगुल्ला गालियोड़ा भूखी ही थी दिन भरी के हाउ जी आवाज दी ए भीनड़ी के वाह बेटा ए चांद उगो थानो रख दे लो अथे तो दानो भरत पूरो है गो बेटा जन क्यों भरत कर भूखा मरिया नार मरिया सिया राम जी राजी वे कोई गरीब ने भोजन दिया या गौ माता ने दान दिया या अपने हिंदू धर्म के मंदिर निर्माण या गौ रक्षक को आप दान दिया सबसे बड़ी बात ये साहब एक मेरा निवेदन है कार्यकर्ताओं से आप पानी की व्यवस्था इन लॉकडाउन के दौरान कई बातें उभर के सामने आई साहब 5 बातें जिनमें से पहली बात
पैसा सब कुछ है लेकिन पैसा कुछ नहीं है। दूसरी, पिंजरे में रहने वाले जानवर और पिंजरे में रहने वाले इंसान, इन 6 महीनों में पता लग सकते हैं और लगा सकते हैं कि जिंदगी कैसे जी जाती है। दो, और तीसरी, कुदरत से बड़ा कोई गुरु नहीं है, जो वो सिखाता है फिर कोई नहीं सिखाता है। चौथी बात, भय से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, जब भय होता है तो बहुत बड़ी बात होती है साहब। और अंतिम और लक्ष्य बात, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु। तब कवि कैलाशदान जी चरण साहब की बात याद आती है, उन्होंने माता पिता के प्रति समर्पित से क्या भाव से ये कविता लिखी है कि भाइयों केड़ा जमाना आया है, लोग भगवान जो भी नहीं डरे है, और कई जगह माँ बाप जानवर जो मरे है, औलाद माँ बाप री रोटी वास्ते रोवे है और माँ बाप रा कपड़ा तक नहीं धोवे है। एक माँ अपने बच्चन के बेटा में एड़ा कहीं काम खोटा करया जो मैं थाने मोटा करया, आज सुनो तने खरी खरी स्कूल में तारी पीछा मरी, तू जलमे जन में थारे वास्ते थाली बजाई, तू वास्ते मारी कूख लजाई, खेर भगवान तारी हजारी उम्र करेला, बेटा आयोडी भिंदनी हूं तू किता दिन डरेला, क्योंकि माँ बाप काजू और पिस्ता है, बे कोई टूट सके गेलिया खुनरा रिश्ता है, क्यों जो हरिद्वार और क्यों जो पुष्कर, पहले आप बूढ़ा माँ बाप ने खुश कर, क्योंकि वो पद एक दिन अपने भी पावनो है और अपने भी बूढ़ा माँ बाप री जगह आवनो है। इरी वास्ते दुनिया रो एक कायदो है, बूढ़ा माँ बाप री सेवा करने में सबों बड़ो फायदो है, क्योंकि माँ बाप फाटोड़ा कपड़ा और बूढ़ा माँ बाप री मेणी कोनी, जको आरी बात नहीं मानी बारो संसार में कोई धनी धोरी कोनी। इरी वास्ते 3 चीज नहीं मिलेगी दोबारा, माँ बाप, गुरु और ओ आज रो दिन दोबारा, जो आप भजन संध्या कर रहे हैं 365 दिनों में, युवा पीढ़ी ने मिलकर इतना बेड़ा उठाया है, आप सबके सामने जाके बड़े ही विनम्रता पुरुष से सबको बुलाया है, मान सम्मान अदब इज्जत और ये सम्मान जो दिया है, फिर आप लोग इनका मान सम्मान और इज्जत रखते खातर आपने जो मंदिर निर्माण की राशि दी है ये सदियों तक याद रहेगी साहब, और भी देते रहेंगे ताकि ये प्रतिभा इनकी नहीं ये समुच्चे गाँव की आन बान शान बनेगी साहब, ये आन बान शान बनेगी। फिर आज रो दिन बहुत लाभदायक है साहब, गुरु माँ बाप और आज रो दिन वो चीज अपने वापस नहीं मिले लो साहब, क्योंकि मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश, जब माँ बाप को बोझ समझे और पत्थर लगे गणेश, पहन मुकुट्टा शर्म का और वो दिन भर करते हैं पाप, करे भंडारे रोड पे और घर में भूखा बाप, जहां देवताओं को लगते हैं 56 भोग, ना जाने कितने मर जाते हैं भूखे प्यासे सड़क पे लोग, पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज, कह बहु सास से अब घर में मेरा राज, नई सदी पुरानी सदी को दे रही है सौकात, बेटा बाप से कह रहा तेरी क्या औकात, वारे ईश्वर क्या तेरी कुदरत है। गालिब साहब ने कहा है कि बख्श देता खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बिकसा जाता जिनकी नीयत खराब होती है, ना तेरा एक होगा ना मेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी होगी ना मजाक मेरा होगा, गुरूर ना कर सहे शरीर का, एक दिन तेरा भी खाक होगा मेरा भी खाक होगा। ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों याद रखना, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता है, कोई हंसकर गम बुलाता है, कोई रोकर दर्द छुपाता है, ये दुनिया का दस्तूर है साहब। मौत को देखा तो नहीं पर लगता बहुत खूबसूरत होगी, कमबख्त जो भी मिलता है जीना छोड़ देता है, क्योंकि जिंदा आदमी जब पानी में डूब जाता है तो मुर्दा तैर के दिखाता है। वारे इंसान तेरी क्या भी फितरत है, ईश्वर की बनाई हुई ये अजीब लीला है साहब, जहां मुर्दों को उठाना और जिंदों को गिराना अपने आप में शान मानते हैं इंसान। वारे वाह इंसान, मंदिर मस्जिद दीवाले गिरजाघर, ये भी क्या कुदरत के करिश्मे साहब, यहाँ गरीब आदमी बाहर बैठ के भीख मांगता है तो अंदर अमीर आदमी बैठ के भीख मांगता है, ये दुनिया का दस्तूर है। दुनिया हमेशा खुशी में शामिल होती है साहब, दुख में कभी नहीं होती है, क्योंकि भीड़ में सब पहुंच जाते हैं और दुखी वाली रात किसी को सोने नहीं देते हैं। जब बारात निकलती है तो दूल्हा सबसे पीछे और बाराती सबसे आगे होते हैं, वहीं मैयत में जनाजा सबसे आगे तो लोग सबसे पीछे होते हैं, ये दुनिया का दस्तूर है। मोमबत्ती बुझाकर बच्चों का जन्मदिन मनाना और मोमबत्ती जलाकर शहीदों को याद करना, वारे दुनिया क्या सब अजब सी दास्तान है इस दुनिया की। हजारों रुपए की आती है पायल फिर भी पैरों में सजाई जाती है, बल्कि बिंदिया 1 रुपए की आती है और सर पे सजाई जाती है। उम्र भर बोझ उठाया उस कील ने, लेकिन तारीफ उस तस्वीर की होती है। अजीब सी दुनिया है, क्या गालिब साहब ने खूब लिखा है, यूं मिलते जुलते परिवार से
और अपने मित्रों से एक दूसरे से बातें करते रहो। दोस्तों, ना जाने जिंदगी में कौन सी शाम आखिरी होगी, ना जाने जिंदगी में कौन सी ये रात आखिरी होगी। मिलते जुलते इस छोटी सी जिंदगी में ये सब कुछ छोड़ के अपने आप में यूं घुलमिल रही है। दोस्तों, ना जाने कौन सी शाम आखिरी होगी, ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी, ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी, ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को सारे सिक्वे मिटाकर जब ऐसी धर्म की जाजम बिछी हो तो उसमें आप सब मिलकर समुच्चे गांव का नाम रोशन करते हुए आप आगे आइए, क्योंकि नजर बिगड़ी तो मन बिगड़ा, मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, चरित्र बिगड़ा तो लक्ष्य बिगड़ा, और लक्ष्य बिगड़ा तो पूरा जीवन बिगड़ा। साहब, यही है, यही धर्म की जाजम है, यहीं से जिंदगी की शुरुआत होती है। क्योंकि करो बूढ़ियारी होड, बेखाऊता बाजरी रोट, बे सौ सौ वर्ष जीवता पर कदी चाय नहीं पीता, बे बारह महीना मुँह चार महीना कमाता और आठ महीना खाऊता, ब्याज मत पहले पैसों देवता लेकिन गेणो पहले धराई लेवता, बे चोरी चुगली झारी करी की दी कदी भी कर नहीं पावता, और खुद आपरे रस्ते आवता रस्ते ही जावता, बेन बेटी ने बे माथे हाथ फेर सीख देवता, और घर में प्रवेश करने पहले पे हर बार खंकारो जरूर कर पावता। आ बारी रीत ही साहब, क्योंकि बण बूढ़िया रो सबों बड़ो मान और सम्मान हो, थाने हेमंत लांबारो है केणो, मर्यादा संस्कार बूढ़ा बडेरा रे हमेशा मार्ग माते है बेणो, मार्ग माते है बेणो। बहुत बहुत धन्यवाद।